भाइयों नमस्कार, अनु त्रिपाठी बोल रहे हैं लखनऊ कानपुर से। भाई आज पान खा लिए हैं, शौक लगा हमको कि आज हम पान खा लेते हैं कनपुरिया स्टाइल में। तो भैया आज हम पान खा लिए, कोई पाप तो नहीं करे हैं? मतलब वही सौंप वाला पान खाए हैं भैया, कोई नशाशा वाला नहीं खाए, ठीक है? बुरा ना माने भैया। आज हम आप लोगों का एक ही चीज बताने जा रहे हैं कि हम अपने ग्रुप में देख रहे हैं और लोगों में देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। आज हमका बहुत खुशी है, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं और इसमें एक फ्रॉड के बारे में जानकारी भी लास्ट में देने जा रहे हैं। उसको भी ध्यान दें ताकि आप लोग बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं है वो फ्रॉडियों के शिकार हो जाते हैं। हम सोच रहे हैं आज हम बताएं। तो सबसे पहले खुशी इस बात की है कि हमारे ग्रामीण पहले बहुत जल्दी एकता में आने में लगते हैं और हमारे कुछ संगठन से पदाधिकारी भी एकता में आने में जुट चुके हैं। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जरूर कुछ तो अच्छा होने वाला है। वेद पुराणों में कहा जाता था कि जब चारों तरफ से आपका समर्थन हो जाए तो समझो कि आपकी जंग जीतना तय है। आज वही होते हुए नजर आ रहा है। भाइयों ये सौभाग्य है कि आप लोगों ने मेहनत जो की है, लगातार आप लोग रात दिन अपनी जंग लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उसका परिणाम है। हमारे जो भाई हमसे कहते रहते हैं, अनु भैया आप बहुत मेहनत करते हैं, आप हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और सब आपकी वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है। हम तो एक आपको रास्ता बताने का काम कर रहे हैं, एक सही दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं, बाकी कार्य जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं। हौसला भी आप हमें देते हैं तब हम बैठकर आपसे बात करते हैं। अगर आप हौसला नहीं देंगे तो मैं क्या हूं? इसलिए जितना श्रेय मुझे मिलता है उतना ही श्रेय आपका की जाता है, क्योंकि आप जब हमें हौसला देते हैं तो हम बात करते हैं। और ऐसे ही अगर आपका हौसला हुआ और देते रहे तो इस जंग को हम जल्द से जल्द जीतेंगे। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। इस चैनल पर अगर बोल रहा हूं तो कुछ सोच समझ के बोल रहा हूं। जो हमारे ग्रामीण चौकीदार के पदाधिकारी हैं, उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि आप सभी एक मंच पे खड़े होकर के एक साथ आवाज लगा करके सारे ग्राम परियों के लिए एक ऐसा कार्य करें जिससे कहीं ना कहीं आपके ही नहीं बल्कि पूरे समाज की इज्जत और सम्मान पूरे भारत में गूंज उठे। मैं ये चाहता हूं और ऐसे ही एकता में आइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे गर्व होगा। खुशी इस बात की है कि इतने दिन से मैं कहते आ रहा हूं, तब जाके कहीं ना कहीं आज कुछ अच्छा अच्छा होते मुझे ग्रामीण पहरियों में दिख रहा है और आने वाले समय में जल्दी ही कुछ अच्छा होगा। मोदी जी हमारे कहते हैं, हम उस अंदाज में आपसे बोलना चाहते हैं। भाई और बहनों, मैंने कहा था उत्तर प्रदेश के ग्रामीण प्रहरी एक दिन एकत्रित हो जाएंगे, उस दिन उनका काम बन जाएगा। भाई भाई मैंने देखा तो जिस तरह हमारे ग्राम प्रहरियों का शोषण हो रहा था, मैंने कहा जितना शोषण करना है कर लो, एक दिन चौकीदार समाज जीतेगा। तो भाइयों ये तो एक अपना विचार है हमारा मोदी जी के लिए। मोदी जी की आवाज में कुछ भाइयों ने कहा कि बॉयज किंग का मतलब क्या होता है, कुछ भाइयों ने कहा कि बॉयज किंग का मतलब होता है बोलने वाला राजा, जबकि बिल्कुल गलत है। बॉयज किंग का मतलब होता है आवाज का राजा, और आवाज का राजा हम उसे ही कहते हैं जो हर एक आवाज में बात कर सके और अपने हर एक अंदाज में उस टैलेंट को ढाल सके। और मैं वही कार्य करता,
जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में समझाने का प्रयास करें। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बॉय स्किंग का जो मतलब है वो मैंने आपको बता दिया, हमारे लिए सभी भाई बंधु। लेकिन यहां पर एक मामला है यूपी के बाहर का, उसमें एक लड़की को किस तरह से ठाडिया बहला लेते हैं और उसके साथ फ्रॉड करते हैं और लगभग 10,000 रुपए ऑनलाइन ले लेते हैं, उसके बाद लोन तो नहीं होता है, फिर से दोबारा पैसा मांगते हैं। फिर वो व्यक्ति मुझे फोन करता, बोला भैया आप हमें उधार पैसा दे दीजिए। तो मैंने उससे बोला क्यों, बोला हम लोन ले रहे हैं। मुझे शक हुआ, मैंने उसे जानकारी प्राप्त की तो वो फ्रॉडिया निकला। उस फ्रॉड से मैंने बात की तो उसको बात करने की तमीज तक नहीं है। आइए आपको कुछ रिकॉर्डिंग सुना देते हैं और जो इन्होंने पैसा भेजा वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। मेरी बात सुन, मुझे भी गालियाँ देनी आती है मगर इस बेटा से बात कर रहे हो तो सुन। फ्रॉड लोग भी बहुत देखे हैं। मैंने गाली नहीं आपको, सुन मगर मैं सिर्फ मैंने गाली नहीं, पहले बात सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन से बात करती हूँ, पहले मेरी बात सुन ले। क्या हुआ है वो मेरे को गाली देगा? गलत से भी तुम्हारी पैसे रिटर्न कर दो। चलो मैडम ऐसा करवाना है तो ठीक है, अगर मेरी नाम भी कहीं भी गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। ठीक है मैडम, ऐसा है गाली किसने दी मेरे को? मेरे हस्बैंड। आप लोग देखिए क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत सारी है, बहुत बड़ी है, इतना ज्यादा मैं नहीं सुना सकता हूँ। किस तरह से ये व्यक्ति बात कर रहा है, आपको लगता है कि इस तरह से कोई बैंक अधिकारी बात करेगा? नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर सरेआम फ्रॉड कर दिया गया, तो उन तमाम लोगों से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, और इसमें फ्रॉड का नंबर मैं स्क्रीन पर दे दे रहा हूँ, आप सभी इनके भूसा भरने का काम कर दीजिए कॉल करके, ताकि इन फ्रॉडियों का खात्मा हो। और उस पर पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके के जो फ्रॉड है इनको पकड़े, इन पर शिकंजा कस। तो सभी ग्राम पंचायतों से कहना है कि सावधान रहे इस तरह के कभी कॉल आते हैं। अभी हमारे ग्रुप में कोई लोन का ऑफर डाला था, उसको चेतावनी 2 बार दे चुका हूं, अब की बार हटा दूंगा। इस तरीके के लोन पर भरोसा ना करें, कोई कंपनी आपको ऐसे लोन नहीं देती, और कभी भी लोन लेने से पहले कभी पैसा नहीं लगता, ये बात को ध्यान रखिएगा। चाहे कितना भी कोई कहे कि हम आपको लोन दिलवा देंगे, आप पैसा पहले दे दो, आप 200 रुपए भी मत देना, ये ध्यान रखना। किसी चीज में पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है, जागरूक हो जाओ, ये इसलिए मैं वीडियो डाल रहा हूं, वरना आपकी मर्जी। पैसा नहीं देना, फ्रॉडियों से सावधान रहना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा और जानकारी भी आपको समझ में आई होगी। नंबर दे रहा हूं फ्रॉडिया का, इस पर उनकी भूसा भर दीजिए आप, इतना कर दीजिए। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, नो त्रिपाठी।